बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम सर। चले जी, आज हमारा अगला सेशन है इंशाल्लाह ताला। और आज हम चैप्टर के जो सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी का जो सेकंड पार्ट है उस पर तो खैर अभी टाइम है, लेकिन अभी हम जहां हमने टॉपिक को डिस्कनेक्ट किया था, हमने डिफ्रेंशिएट किया था बिटवीन यूकेरियोट एंड प्रोकेरियोट, और आपके साथ कुछ एमसीक्यूज भी मैंने डिस्कस किए थे। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स के दरमियान भी हमने शायद डिफरेंसेस कुछ डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कुछ प्लांट और एनिमल के डिफरेंसेस भी शेयर किए थे। तो अब मैं आपके साथ थोड़ी देर में अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, आप प्लीज स्टे विद मी। एक सवाल है सर। जी बेटा पूछिए। सर मैं ये पूछा था कि लाइक आपने वैक्यूल्स के बारे में हमें बताया था कि उनकी लाइक फंक्शन, जैसे पिगमेंट्स हैं वो उनका एक फंक्शन है, तो बुक के अंदर बेसिकली लिखा हुआ है एक स्टोरेज बैंक, तो लाइक इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसलिए लिखा हुआ है। स्टोरेज जी, बैंक का एसेंशियली क्या मतलब है सर? स्टोरेज टैंक का मैंने यही तो आपसे कहा था कि जब कोई चीज स्टोर करता है तो उसको हम स्टोरेज टैंक का नाम देते हैं। आई मीन ये शुगर, वाटर, इसके साथ साथ जो है कभी बाज जो पेटल्स वगैरह जो फ्लावर के कलर पिगमेंट्स होते हैं वो, तो ये डिफरेंट चीजें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाटर मटेरियल जो है वो स्टोर करते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर का यूज होता है, इसलिए वाटर भी जो है वो यहाँ पे स्टोर होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच, क्लियर। वेलकम बच्चा। अच्छा जी, तो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो कौन सा था? हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि प्लांट सेल्स इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। फाइन, ठीक है। सो स्टे विद मी, going to share the screen with you now. So here we go now. Where's the file? Yes, here. Can you see the screen now? Yes, sir, it's visible. Yes, sir. Okay. So we discuss about the last point, that's vacuoles help to regulate the osmotic properties of cells, as well as having a wide range of other functions, for example, the pigments which color the petals of certain flowers and parts of some vegetable. देखो बात ये है कि वैक्यूल का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो वाटर को स्टोर करें, बल्कि प्लांट्स के अंदर आयंस भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और कभी कभी जो पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो भी वैक्यूल जो है वो स्टोर कर सकता है। मीन्स वैक्यूल जो है वो एक स्टोरेज टैंक के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि अगर कोई चीज एक्सेस में है तो उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकता है, एंड देन वी प्रोवाइड इट फॉर द फॉर इट्स ग्रेजुअल यूज। नाउ प्लांट सेल्स इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बट एनिमल सेल्स आर टोटली डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये अनदर पॉइंट है कि प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है, लेकिन वो भी ग्रीन कलरिंग पिगमेंट्स, ग्रीन कलरिंग पार्ट्स में। ऐसा नहीं है कि वैक्यूल जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो हर प्लांट सेल के अंदर होता है। तो एज लेवल में आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ऑल्दो क्लोरोप्लास्ट इज मैंडेटरी इन द प्लांट सेल, बट नॉट इन ऑल द प्लांट सेल्स, सच एज रूट सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन इन कलर। सो क्लोरोप्लास्ट जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस कराना। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो भी सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, बट एनिमल सेल्स के अंदर बिल्कुल नहीं होता क्लोरोप्लास्ट। ये एक और डिफरेंस आ गया।
Right. Chloroplast plays its role in photosynthesis as it traps light energy and converts it into chemical potential energy that is later on used to fix inorganic carbon into organic carbon sugar. Organic carbon का मतलब होता है glucose. Glucose के अंदर जो carbon है वो organic है और carbon dioxide के अंदर जो carbon है वो inorganic है. कहने से मुराद ये है कि chloroplast का role क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कराना. और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो हमारी सनलाइट है उस एनर्जी को पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन में यूज करते हैं. बेटा एक बात याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों इनऑर्गेनिक हैं. इन दोनों को मिलाना जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इसके लिए एनर्जी का सोर्स जो है वो सनलाइट है. अब सनलाइट के एनर्जी को इस केमिकल रिएक्शन के लिए सुटेबल बनाने का किसका काम है? क्लोरोप्लास्ट का काम है, क्लोरोफिल का काम है. तो पिगमेंट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है दैट दे कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू यूजफुल एनर्जी व्हिच इज यूज्ड इन द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर. और ये सारा काम कौन कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट कर रहा है, जिस वजह से प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. राइट अच्छा, जनरली प्लांट सेल्स, एक और पॉइंट आ गया, जनरली प्लांट सेल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल्स, ऑल्दो सेल्स आर वेरिएबल इन देयर साइज डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस. कुछ ऐसी प्लांट सेल्स भी है जो कि एनिमल सेल्स से छोटी भी होते हैं. जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट सेल, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो प्लांट सेल जो है वो कंपैरेटिवली एनिमल सेल से थोड़े से साइज में बड़े होते हैं. तो ये जनरल व्यू है अगर हम साइज वाइज बात करें तो. चलिए, तो ये तो शायद आप पढ़ चुके थे कि यूकेरियोट और प्रोकेरियोट में क्या फर्क होता है. तो ये हमने पूरा डिस्कस किया था आप लोगों के साथ. मैं इसको थोड़ा सा सामने रख देता हूँ. प्रोकैरियोटिक सेल इज अबाउट 10 टाइम्स स्मॉलर देन यूकेरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा. प्रोकैरियोट्स डू नॉट कंटेन ट्रूली डेवलप्ड न्यूक्लियस, ऑल्दो दीज सेल्स कंटेन डीएनए. Prokaryotes therefore have naked DNA not enclosed by the nuclear membrane. In addition to linear DNA, prokaryotes have circular DNA freely suspended in the cytoplasm. In eukaryotes, circular DNA is present in organelles like mitochondria and chloroplasts, but not in the cytoplasm, while the linear DNA is enclosed by the nuclear envelope. ये भी आप पढ़ चुके थे पिछली क्लासेस के अंदर. So ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे. अब आपके सामने एक और स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, तो आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा. और अगर कोई क्वेश्चन इन द मीन टाइम आपके जहन में हो तो प्लीज़ आस्क मी, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन. स्टे विद मी नाउ. Yes, so let me share screen now with you. And these are all about the, or we discuss about the different differences between the prokaryote and eukaryote and plant cell and animal cell.
And now it's the time to discuss about the microscopy, and later on we will discuss about the different organelles. So let's talk about the microscopy now, another topic of this chapter. Yes, can you see the screen? Yes, sir. Okay, fine. So what is microscopy? A technique that is used to observe detailed structure and physiology of cells and microorganisms that cannot be seen through naked eyes. यानी एक ऐसा टेक्निक जो कि एक सेल का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिटेल में देखने के लिए इस्तेमाल की जाए, उस टेक्निक को कहते हैं माइक्रोस्कोपी. A technique that is used to observe detailed structure and physiology of cells and microorganisms that cannot be seen through naked eye. Beta, we have two types of microscope. There are two important types of microscope used in biological sciences. One is called light microscope. इसको एक और नाम देते हैं compound microscope. और दूसरा है electron microscope. तो एक तो ये चीज हो गई कि दो तरह के माइक्रोस्कोप हैं. उसके बाद हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की एंड रेजोल्यूशन की, कि इन दोनों में क्या फर्क होता है. मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोस्कोप. तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज अ मेजर. किस चीज की मेजरमेंट है? ऑफ हाउ मच लार्जर अ माइक्रोस्कोप कॉजेस एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर. माइक्रोस्कोप जो है एक ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर सकता है, या आप कहते हैं कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज एन ऑब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ टाइम्स. ये ज्यादा बेहतर है. क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोप इज द, ये देखो यहां से भी देख सकते हो, इट इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप और लेंसेज टू एनलार्ज द इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन टू अ नंबर ऑफ टाइम्स. किसी भी माइक्रोस्कोप की या किसी भी लेंस की वो एबिलिटी जिससे वो किसी एक स्पेसिमेन को कई टाइम्स बड़ा कर दे, इस एबिलिटी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन. क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन चूंकि एक नंबर ऑफ टाइम्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है उसका जो डायमीटर है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, और फिर मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो जिसको हमने बड़ा करके इतना बड़ा कर दिया कि उसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर के बजाय 20 सेंटीमीटर हुआ, तो हमने कितना टाइम्स बड़ा किया? 10 टाइम्स बड़ा किया. तो इट्स अ नंबर ऑफ टाइम्स. इसलिए नंबर ऑफ टाइम्स का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए कहे मैग्निफिकेशन डज नॉट हैव एनी यूनिट एज इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द इमेज टू बी एनलार्ज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल स्पेसिमेन. मतलब आप कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि जिसका और जिसको हमने मैग्नीफाई किया तो 20 सेंटीमीटर हुआ, और ओरिजिनल जो था वो 2 सेंटीमीटर था. तो आप ऊपर लिखते हैं नॉमिनेटर में 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर, तो आंसर हमारे पास 10 आएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट्स अ रेशो बिटवीन टू सेम यूनिट वैल्यू, सो इट डजंट हैव एनी यूनिट, बट इट्स ओनली द नंबर ऑफ टाइम्स. लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस का निशान लगाते हैं, तो क्रॉस हमें बताता है नंबर ऑफ टाइम्स, इसको आप एक्स या क्रॉस कह सकते हैं, और वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके आगे एक क्रॉस लगता है जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स. सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप और लेंसेज टू एनलार्ज द इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन टू अ नंबर ऑफ टाइम्स. बेटा समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन? Yes. Right. The formula of magnification is equal to image size upon actual size. Image size upon actual size. So magnification M is equal to capital I upon capital A, I for image size and A for actual size. So M is equal to I upon A. This is the formula for magnification. In biology, the most common unit used while calculating the size of the specimen is micrometer or nanometer. बेटा अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप जरा यूनिट्स को भी याद रखेंगे कि कौन सा यूनिट की क्या वर्थ होती है और कितना इसको हम कन्वर्ट करते हैं.
कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस वक्त जो हम माइक्रोस्कोपी में और इस चैप्टर में वो यूनिट जो बहुत ज्यादा यूज होगा वो या तो माइक्रोमीटर होगा या फिर नैनोमीटर होगा, या फिर माइक्रोमीटर होगा या फिर नैनोमीटर। ये बायोलॉजी में मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट है। बायोलॉजी में जो सबसे बड़ा यूनिट है लेंथ का वो सेंटीमीटर है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में समझ लो, केमिस्ट्री तो खैर नहीं, फिजिक्स में छोटा यूनिट होता है सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ सबसे हाईएस्ट जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। और बाकी जो कॉमन यूनिट है जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं वो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर है, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो माइक्रोमीटर में होते हैं या फिर नैनोमीटर में होते हैं। तो देखते हैं कि कितना है इसका साइज, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोमीटर कितना होता है और नैनोमीटर कितना होता है। सो लेट्स डिस्कस देम। मैग्निफिकेशन यूजली कंसर्न टू द नंबर ऑफ लेंसेज। The more the number of lenses in a microscope, the higher will be the magnification. अच्छा, यहाँ एक बात जो बहुत ही, ये सारे बेटा key points है जिसपे आपके MCQs based होंगे, इसको याद रखना जरूरी है। कहते हैं कि magnification का ताल्लुक concern किस चीज के साथ है, lenses के साथ है। मसलन आपके microscope में दो lenses लगे हैं, एक lens की magnification 10 times है, 10, और दूसरे lens की जो magnification है वो 4 times है, for example। तो जब ये दोनों लेंसेज में आप एक साथ देखते हो, यानी पहले 4 का लेंस आ रहा है, उसके नीचे 10 का लेंस आ रहा है, और फिर नीचे ऑब्जेक्ट है या कोई भी और स्पेसिमेन आप देख रहे हैं, तो बेटा इसकी जो टोटल मैग्निफिकेशन होगी वो दोनों लेंसेज का प्रोडक्ट होगा, यानी 4 × 10 दैट शुड बी इक्वल टू 40 टाइम्स। याद रखिएगा ये, जितने आप लेंसेज लगाते हैं उतना मैग्निफिकेशन बढ़ता है। अगर आपने 3 लेंस लगाए हैं, एक 4 का है, दूसरा भी 4 का है और एक 10 का है, तो फिर 4 × 4 = 16, 16 × 10 = 160, तो ये फिर 160 मैग्निफिकेशन रहेगी। सो द नंबर ऑफ लेंसेज आर द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ लेंसेज शोज द मैग्निफिकेशन। हाँ, अलबत्ता इसमें एक प्रॉब्लम होगी कि मैग्निफिकेशन तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी रेजोल्यूशन भी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि वो बड़ा तो हो लेकिन ब्लर हो, और उसमें ज्यादा डिटेल में हम ना देख सके ब्लरनेस की वजह से। तो ब्लरनेस की क्लैरिफिकेशन जो है उसका ताल्लुक किस चीज के साथ होगा, रिजोल्यूशन के साथ होगा, और बड़े होने का ताल्लुक किसके साथ होगा, मैग्निफिकेशन का ताल्लुक होगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि मैग्निफिकेशन बेस्ड होता है लेंस के ऊपर, किस किस्म का लेंस यूज कर रहे हैं। बाज़ औक़ात एक ही लेंस होता है लेकिन उसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल वो 200 टाइम्स मैग्नीफाई करता है एक लेंस सिर्फ, और बाज़ औक़ात 3-4 लेंसेज हर एक अलग अलग मैग्निफिकेशन है, तो उनको अगर आप एक साथ लगाते हो तो उसकी भी मैग्निफिकेशन बढ़ जाती है। तो ये बात आप सबको एक्नॉलेज करनी चाहिए, पहले ये बात को समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें समझ में नहीं आएगी, ये चैप्टर की फाउंडेशन है, आगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे, याद रखिएगा। सो मैग्निफिकेशन बेसिकली कंसर्न्स टू द टाइप ऑफ लेंस और द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज इररिस्पेक्टिव फ्रॉम द resolution, so it will magnify the object but much more detail can't be seen. Got it? Yes sir, clear. So basically the more we magnify the less the resolution is, like utna blur hota hai. You can say bilkul theek hai, lekin uske liye zaruri hai ki agar aap ye dekhte hain ki ek acha aur ideal microscope hai aur wo मैग्निफिकेशन बढ़ाने से उसकी रिजोल्यूशन पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं इट्स एन आइडियल माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज आल्सो हैव अ वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर एंड आल्सो हैव अ हाई मैग्निफिकेशन, दोनों चीजें हाई है, इसलिए इतनी आसानी से ये ब्लर नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा माइक्रोस्कोप है या कोई ऐसा कैमरा है कि उसको आप हाई थोड़ा सा भी मैग्नीफाई करते हैं तो ब्लरनेस शुरू हो जाती है, तो फिर हम कहते हैं कि इनकी रिजोल्यूशन अच्छी नहीं है। मैग्निफिकेशन तो आप कर सकते हैं लेकिन रिजोल्यूशन अच्छी नहीं है। आर यू गेटिंग? यस सर, यस सर, थैंक यू। Okay. Right. So in the next term, in case of more lenses, magnification is the product of the magnifying power of the lenses used in the microscope. अभी जो मैंने आपको मिसाल दिया उसकी बात कर रहा हूं। तो जो हमारे पास लैब के अंदर माइक्रोस्कोप अवेलेबल है जिसको आप लोग यूज करते हो, उस पर कितनी मैग्निफिकेशन दी गई है आपको याद करनी है। अलाइट माइक्रोस्कोप विद इन आईपीस लेंस कितना है, 10 टाइम। आईपीस लेंस का मतलब होता है जिसमें आप देख रहे होते हैं, जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें, ऊपर जिसपे हमने आंख रखी हुई है उस पर जो लेंस लगा होता है उसकी मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स है। और ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ लगा होता है,
बिल्कुल नीचे उसका रोटेटर होता है जो घूमता है। अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप यूज किया हो लैब में, तो नीचे एक रोटेटर होता है जिसको हम घुमाते हैं, उसके अंदर लेंस लगा होता है, उस लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो उसकी मैग्निफिकेशन 40 है, और जो आईपीस लेंस है उसकी 10 है, तो इसकी टोटल मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी, 400 टाइम्स हो जाएगी। सो अ लाइट माइक्रोस्कोप विद एन आईपीस लेंस इज 10 टाइम्स, एन ऑब्जेक्टिव इज 40 टाइम्स, हैज द मैग्निफिकेशन पावर एज 400 टाइम्स। An ideal microscope, however, good magnification as well as good resolving power. तो एक ideal microscope वो होता है जिसकी अच्छी magnification होती है और अच्छी resolution होती है। यहाँ मैं फिर एक बात बोलूँगा आप लोगों से कि जो हमारे पास lab के अंदर light microscope है, उसकी आपको याद रखनी पड़ेगी कि magnification होती कितनी होती है और resolution कितनी होती है। तो हमारे पास जो लैब में होता है, समझ लीजिएगा कि उसके अंदर जो सबसे हाईली मैग्नीफाइंग लेंस होता है वो होता है 100 टाइम्स, जो हमारे पास लैब में होता है 100 टाइम्स, और इसमें जो आईपीस लेंस भी लगा होता है वो होता है 10 टाइम्स। इसका मतलब है 1000 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होती है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो 100 वाला शामिल नहीं है, क्योंकि वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। वो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को फिर हमारी जो रिजोल्यूशन होती है लाइट माइक्रोस्कोप की, वो इतनी अच्छी नहीं होती कि उसके साथ कोप अप कर सके। तो लैब में हमारी जो हायर मैग्निफिकेशन, कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे वर्ड पूछते हैं हाई मैग्निफिकेशन, तो हाई मैग्निफिकेशन का मतलब होता है 40 टाइम्स, यानी एक आपके पास जो लेंस होता है वो कितने का होता है, 4 टाइम का होता है, और एक जो होता है वो 10 टाइम्स का होगा। तो 40 टाइम्स जो है हमारे पास हाई मैग्निफिकेशन होता है, और यूजुअली जो लो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है, सॉरी कह रहा हूँ, 100 यूजुअली जो हम लेंस यूज करते हैं, अगर 40 का लेंस यूज करोगे तो ये होगा हाई मैग्निफिकेशन, और अगर 10 का लेंस यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लो मैग्निफिकेशन। यानी आईपीस तुम्हारे पास 10 है ही, प्लीज जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, आईपीस लेंस तुम्हारे पास 10 ही होगा। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस अगर आप 10 लगाते हो तो ये लो मैग्निफिकेशन होगी, और अगर 40 लगाते हो तो हाई मैग्निफिकेशन होगी। तो अब मुझे बताइएगा आपके पास हाई मैग्निफिकेशन कितनी होगी और लो कितनी होगी? हाई 400, शाबाश, 100, लो 100, शाबाश, गुड। तो जो लो मैग्निफिकेशन होती है हमारे पास, जो जो आपकी कैम्ब्रिज के सिलेबस में है, वो 100 टाइम्स है, और जो हाई मैग्निफिकेशन है वो 400 टाइम्स होगा जो हमारे पास में। लेकिन और रिजोल्यूशन जो है वो आपको अलग से याद करनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि रिजोल्यूशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की कितने होते हैं। ये आपके सामने एक माइक्रोस्कोप नजर आ रहा है, और मैं चाह रहा हूं कि मैं इसकी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूं। ये देखते हैं, ये आपको क्या नजर आ रहा है, आईपीस ग्रेटिक्यूल है जिसमें हम देखते हैं, और मैं इसकी बात कर रहा था कि इसकी मैग्निफिकेशन तकरीबन 10 टाइम्स होती है, और ये जो नीचे रोटेटर है इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। कुछ चार लगे हैं, तो चार में से दो तीन जो है, एक तो खैर खाली होता है, तीन लगे होते हैं, एक 4 होता है, एक 10 होता है, और एक यूजली क्या होता है, 40 होता है। अच्छा, 440 एंड 100, तो 40 और 10 एंड 4, 40 एंड 100। अच्छा, एक बात यहाँ याद रखो, हमारे जो सिलेबस में है वो हम सिर्फ यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो 10 वाला और 40 वाला यूज करते हैं, 4 वाला भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और 100 वाला भी नहीं है। ये जो सबसे मिनिमम है वो 4 है, और जो सबसे मैक्सिमम है वो 100 है, तो हम 10 और 40 यहाँ लगाते हैं, तो इसलिए हमारे पास मैग्निफिकेशन है वो 100 टाइम्स है एंड 400 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ हम स्लाइड लगाते हैं, और इसको हम कहते हैं स्पेसिमेन, इसको हम कहते हैं स्टेज, क्या कहते हैं, स्टेज, और ये क्लिप्स है जिसके अंदर हम स्लाइड को फिक्स करते हैं। नीचे एक कंडेंसर लगा होता है जो लाइट को फिक्स करता है, और नीचे एक बल्ब लगा होता है। तो अगर आप देखें डायग्राम को, मैं इसको थोड़ा सा और मैग्निफाई कर लेता हूँ, जी। अच्छा, माइक्रोस्कोप को आपने देखा गौर से, ये जो है इसकी बॉडी है, और यहाँ अगर आप, जहाँ मेरा कर्सर है, एक नॉब लगा हुआ है जो घूमता है, ये फोकसिंग के लिए होता है, और इससे हम ये देखते हैं कि इसका जो जो ब्लरनेस है उसको ख़त्म करना हो तो उसको हम यहाँ से इसको रोटेट कर रहे होते हैं। बेटा
आप लोगों को समझ आ रहा है? इस पे कोई सवाल हो जहन में तो प्लीज पूछिएगा सर। तो लाइक वन क्वेश्चन है सर, आई पीस से जो हम देखते हैं इट्स लाइक मैग्निफाइड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एज वेल, जो हमारा स्पेसिमेन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसकी इसकी यानी ये आईपीस जो ये भी लेंस है, इसकी अपनी मैग्निफिकेशन होगी, और जब आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से देखने के बाद आप यहाँ भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेसिमेन नीचे पड़ा हुआ है और ये दो लेंसेज से गुजर के आप देख रहे हैं, इसलिए दोनों की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है जिसको आप देख रहे होते हैं। ठीक है सर। सो लाइक द लैब एक्सपर्ट विल टेल अस हाउ टू लाइक प्रॉपर्ली विजुलाइज। यस यस, यू विल स्टडी ऑल दिस टेक्निक्स इन द लैब। Yes, so let's move to the next same thing we have discussed. अच्छा बेटा, अब ये आ गई आपके सामने calculations जो आपको याद रखनी है। Units used in microscopy, वो कौन कौन सी units है? There are different kinds of magnification calculations. जरा अगर आपके पास pencil और copy है तो उठा ले, थोड़ा सा मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा और उसकी practice करनी है ताकि आपको conversion समझ में आ जाए। चलिए जी, एक सेंटीमीटर, वन सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर है? 10 मिलीमीटर, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी। एंड वन मिलीमीटर के अंदर होते हैं 1000 माइक्रोमीटर, एंड देन वन माइक्रोमीटर के अंदर होते हैं 1000 नैनोमीटर। तो ये तीन तो आप लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं। ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि वन सेंटीमीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होंगे तो जवाब क्या होगा? एक सेंटीमीटर के ये एक बच्ची सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट है, ये हमारे पेपर के साथ नहीं मिलेगा जिसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल। जी 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 जी, ये बेटा आपको नहीं मिलेगा अमीर मूसा, इसमें तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको याद करने हैं, रटने हैं, इसका आपको पेपर पे नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये मैथमेटिकल चीजें हैं, तो आपको खुद करनी है। जी बेटा, 10 मिलियन नैनोमीटर। देखिए वेरी गुड, मैं इसका आसान तरीके बताऊं बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने नैनोमीटर है ना, तो आप सीधा सीधा यहां से जीरो काउंट करें, 1 0 3 0 कितने हो गए, 4 0 और फिर 3 0 7, तो आप लिखिएगा 10^7। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^7 नैनोमीटर। अगर मैं यहां से पूछूंगा 1 मिलीमीटर के अंदर कितने नैनोमीटर है, तो फिर 3 और 3 6, ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10^6 वॉट नैनोमीटर। समझ रहे हो? तो अगर आप इस रूट से आते हो तो ये सारे जीरो प्लस करो, अगर आप यहां से इसमें आते हो तो यहां से जीरो प्लस करो। इसी तरह अगर आप यहां से सेंटीमीटर में जाते हो, छोटे यूनिट से बड़े में जाओगे, तो सेम तरीका होगा, सिर्फ माइनस लगेगा, जीरो माइनस कर, जी माइनस लगेगा साथ में, 10 पावर जो होगा उसके साथ माइनस लगेगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10^-7 और अगर आप कहते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो फिर आप कहोगे 10^-6। अगर आप यहां से आते हैं, एक सेंटीमीटर 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो माइक्रोमीटर यहां से स्टार्ट होता है, आई मीन 3 0 ये हो गए, बल्कि सॉरी 4 0 हो जाएंगे। तो इस तरह आपने, यस इस तरह आपने इस चीजों को याद रखना है। तो मैंने इसको यहाँ दोबारा लिखा है, देखो दिस इज फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, और यहाँ से स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट मैंने शुरू कर दिया है। यानी अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो 1/10 हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.0001 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.001 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.00001 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0. जी सर, आप लार्ज टू स्मॉल का वापस समझा सकते हैं? स्मॉल टू लार्ज समझ आ गया सर, लार्ज टू स्मॉल नहीं समझे। लार्ज टू स्मॉल बहुत आसान है, आपने सिर्फ जीरो को प्लस करना है। जैसे सेंटीमीटर यहाँ है और नैनोमीटर यहाँ है, तो इस तरफ जितने जीरो है सारे प्लस कर लो। कितने जीरो है? मिलीमीटर का 1 0। देखो अगर आप सेंटीमीटर से जाते हैं ना, तो 1 0 मिलीमीटर का, 3 0 माइक्रोमीटर के, और 3 0 नैनोमीटर के, क्योंकि नैनोमीटर में जाना है, तो ये 7 हो जाएगा।
और अगर आप सेंटीमीटर से माइक्रोमीटर में जाते हैं तो 1 0 मिलीमीटर का और 3 जो है माइक्रोमीटर के, तो 4 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप वापस आते हो नैनोमीटर से सेंटीमीटर में तो 3 0 नैनोमीटर के, 3 0 माइक्रोमीटर के, 1 0, तो ये 7 हो जाएंगे, लेकिन माइनस लगेगा। समझ रहे हो? यस सर, थैंक यू। हाँ, तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट्स। और ये आपको ऐसे याद होने चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद है, क्योंकि ये जो MCQs आएंगे उसके अंदर कन्वर्जन होगी और आपको कन्वर्जन जो है समझना होगा, याद रखना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। देयर्स अ लॉट ऑफ MCQs व्हिच आर बेस्ड ऑन दीस कैलकुलेशन, सो यूनिट्स इन मैक्रोस्कोपी टू लर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, लेट्स मूव नाउ। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस करना है। एक कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोज अ सेल, व्हाट इज द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। अगर आप इस डायमीटर, ये जो डायमीटर आपको दिया है, इसका एक्चुअल साइज निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या होगा? सर इसको क्या नाम है, सेंटीमीटर में मेजर करके डिवाइड बाय 5700 कर देंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन देंगे तो क्या ऑप्शन में कोई सेंटीमीटर है? नहीं सर, वो फिर कन्वर्जन के थ्रू। हाँ, तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको मिलीमीटर में, मिलीमीटर को फिर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर 5700 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। समझ रहे हो? जी सर, यस सर। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको देखिएगा, ये चलेगा भी कि किस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मैथमेटिक्स है ना आदि इसमें? जी बिल्कुल, मैथमेटिक्स है। सॉल्यूशन दी गया, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो मेजर द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इन द गिवन डायग्राम यूजिंग अ स्केल। समीता प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन बेटा। सो मेजर द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इन द गिवन डायग्राम यूजिंग अ scale. If the shape of the specimen is not uniform, measure from the widest point. ये ख्याल रखिएगा कि जिस चीज का आप डायमीटर निकालते हैं, इसका अगर न्यूक्लियस प्रॉपर शेप में हो तो फिर तो डायमीटर कहीं से भी निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर इररेगुलर शेप है तो डायमीटर या लेंथ निकालने के लिए आपको widest point तलाश करना पड़ता है, जो सबसे widest हो, जहां पे ज्यादा लेंथ आ रही हो। कन्वर्ट द मेजरिंग इंटू माइक्रोमीटर बाय मल्टीप्लाइंग इट 1000 if measures in millimeter, or 10,000 if measured in centimeter. अगर आपने सेंटीमीटर में मेजर करना है तो 10,000 से, और अगर मिलीमीटर में है तो किससे? 1,000 से, ठीक है? तो फिर आपके साथ आंसर आएगा। क्लियर सर। राइट, सो कन्वर्ट द मेजरिंग। ये क्यों कह रहे हैं कि अगर 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 आपकी ड्राइंग जो है वो मिलीमीटर में है तो फिर आप 10,000 तो फिर आप 1,000 से, और अगर मिलीमीटर में तो 10,000 से। कन्वर्ट द मेजरिंग इनटू माइक्रोमीटर बाय मल्टीप्लाइंग 8,000 इफ मेजर्स इन मिलीमीटर। क्योंकि अगर आप मिलीमीटर से बेटा माइक्रोमीटर में जाते हैं तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1,000 से। और अगर सेंटीमीटर से जाओगे तो फिर 10,000 से, क्योंकि सेंटीमीटर बड़ा यूनिट। यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? जी सर, क्लियर। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करें? डिवाइडेड बाय द मैग्निफिकेशन वैल्यू, इन दिस केस 5700, टू गेट द एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक और एग्जाम्पल है, वो तो चलो हो गया आसान था। The drawing from an electron micrograph shows a ciliated epithelial cells magnified 1500 times, which is found in the trachea. Line XY shows the widest dimension of the cell. What is the number of these cells that could be found along
1 centimeter length of the trachea, that's very important. सवाल को समझने की कोशिश करो. कहते हैं कि ये जो लाइन है ये कितनी है ये आप पता नहीं है, इसको आपने मेजर करना है, ठीक है. और फिर कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 centimeter की लेंथ हो तो 1 centimeter के लेंथ में ऐसे सेल्स कितने आ जाएंगे, क्या करना पड़ेगा सर? सर ये जो वैल्यू आएगी इसको 1500 से डिवाइड कर लेंगे तो सर जो वैल्यू आएगी उसको फिर माइक्रोमीटर मिलीमीटर जो भी है उसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर 1 centimeter से डिवाइड कर लेंगे. देखो बेटा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक आसान सी एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ. थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप एग्जाम्पल है लेकिन आपको समझने में आसानी होगी, गौर से सुनिएगा. आपसे कहा जाता है कि एक रूम है, एक कमरा है और इस कमरे की जो दीवार है उसकी जो लेंथ है वो 20 meters है. समझने की कोशिश करें, दीवार कितनी है? 20 meters है. एक कोने की एक दीवार है कमरे की और आपसे कहते हैं कि यार इस दीवार के साथ मैं चेयर्स रखना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि इस 20 मीटर की दीवार के साथ कितने चेयर्स आएंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप चेयर को नापेंगे ना कि चेयर का साइज क्या है. तो जितना साइज चेयर का होगा वो फिर आप 20 मीटर से डिवाइड करके बता देंगे कि इतने. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि एक चेयर का साइज जो है वो 1 meter है, वाइड है, और दीवार 20 meter है, तो ऑब्वियसली बात है आप कहोगे कि 20 chairs आएंगे. लेकिन अगर चेयर जो है वो 0.5 meter है उसकी वाइडनेस है तो फिर आप कहोगे 40 chairs आएंगे. क्यों? आपने कहा 20 divided by 0.5, तो जो आपको साइज दिया गया है उससे उस चेयर का डायमेंशन डिवाइड करो. मेरी बात समझने की कोशिश करो. यहाँ चेयर की बजाय कौन है? सेल है. और दीवार के बजाय 1 centimeter की लेंथ है. तो पहले आप इस सेल को मेजर करें. मेजर करने के बाद वो जो 1 centimeter की लेंथ है उसको उसी यूनिट पे रखेंगे जिस यूनिट में आपने इसको कैलकुलेट किया है. किसको? सेल को. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कीजिएगा, अब आप जरा पेंसिल और पेपर उठाएं तो आपको समझने में आसानी होगी. सपोज कीजिएगा कि ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन आ रही है, लेट सपोज कीजिएगा कि ये लाइन आ रही है सपोज करें 4 centimeter, 4 centimeter आ रही है लाइन, ठीक है जी, 4 centimeter. तो 4 centimeter का मतलब क्या होगा? 40 millimeter. ऐसा ही है क्योंकि 1 centimeter इक्वल टू 10 millimeter, तो ये 40 millimeter हो गया. और 40 millimeter का मतलब होता है 40,000 micrometer, बिकॉज 1 millimeter इज इक्वल टू 1,000 micrometer. तो 40,000 micrometer. अब 40,000 को आप डिवाइड कीजिएगा किससे? 1500 से. जरा करके मुझे बताएं, किसी पास अगर कैलकुलेटर है या पेपर है तो बताएं ताकि इसको समझने में आसानी हो. कितना हो जाएगा? 40,000 डिवाइड बाय 1500. 26.67. कितना हो जाएगा? 26.67. तो इसको 26 की बजाय हम ऐसा कर लेते हैं, 26 ही ले लेते हैं. सपोज के 26 एग्जांपल है तो हम कहेंगे 26 माइक्रोमीटर आपका एक सेल है बेटा. 26 माइक्रोमीटर एक सेल है. अब आपको इन्होंने लेंथ कितने बताई है? 1 centimeter, ठीक है. तो अब यहां लेंथ सेंटीमीटर में है और आपने इसका जो साइज निकाला है वो माइक्रोमीटर में है. तो आप या तो सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें या इसकी जो माइक्रोमीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, जो आपको आसान हो. तो हम सेंटीमीटर को अगर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 centimeter कितने माइक्रोमीटर के बराबर होता है? 10,000. तो आप 10,000 को डिवाइड करेंगे किससे? 26 से. तो नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे. मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? Yes. ठीक है. हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट. बेटा ये स्क्रीन पे अगर आप लोग इस तरह एनोटेशन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्लीज ना करें. क्योंकि मुझे यहाँ आप लोगों के नाम भी आ रहे हैं जो स्क्रीन पे लाइन खींच रहा है. आई डोंट वांट टू इस मैटर को मैं आगे ले जाऊं, तो कोशिश करें ऐसा ना करें बेटा. और इसके बाद अगर कोई ऐसी लाइन आ गई तो मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा और फिर आइंदा ग्रुप में इनको अलाउ नहीं करूंगा मैं, ठीक है. चले सो अब आ जाइएगा जरा वापस उसी जगह पे. इसकी सॉल्यूशन देखते हैं कि इसकी सॉल्यूशंस कैसे होगी.
Measure the width of the cell in the given diagram using a scale. Convert the measuring into माइक्रोमीटर. जैसे मैंने मेजर स्केल को पहले मेजर किया 40 मिलीमीटर आया, इसको फिर मैंने कन्वर्ट किया किसमें, माइक्रोमीटर में, बाय मल्टीप्लाइंग 8000 इफ मेजर्स इन मिलीमीटर और 10000 इफ मेजर इन सेंटीमीटर्स. ठीक है, फिर क्या करें, डिवाइड इट बाय द मैग्निफिकेशन वैल्यू, इन दिस केस इज 1500 टू गेट द एक्चुअल साइज ऑफ द सेल. ये हमने सेल का एक्चुअल साइज निकाला. ओके समीता, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम. सो डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन वैल्यू, इन दिस केस 1500 टू गेट द एक्चुअल साइज ऑफ द सेल. इस तरह हमने सेल्स का एक्चुअल साइज निकाला. नाउ कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर इनटू द सेम यूनिट इन विच वी कैलकुलेटेड द साइज ऑफ द सेल. तो जिस यूनिट में आपने उसको कन्वर्ट किया था उसी में आपने सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करना है. ठीक है, अच्छा फिर divide 1 centimeter equivalent on the cell size to calculate the number of cells occupied 1 centimeter. तो फिर आपने वो सेट को जिस वैल्यू में कन्वर्ट किया था उसको से डिवाइड कीजिएगा. अच्छा अब यहां पे आपको मैं सपोज करके दे रहा हूं, सपोज द एक्चुअल साइज ऑफ द सेल इज 40 माइक्रोमीटर. सपोज करिए आपने एक, जैसे हमने तो 26 निकाला था ना, ये कह रहे सपोज कीजिएगा 46 माइक्रोमीटर है. Then convert 1 centimeter into micrometer, which is 10,000. तो अब आप क्या करेंगे? 10,000 को divide करेंगे किससे? 440 से. तो क्या आंसर आएगा? 250. So 1 centimeter में कितने cells आएंगे? 250 cells आएंगे. Got it? Yes. Clear? Yes, sir. देखिए बेटा, मुझे सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स ही जवाब देते हैं कि यस सर क्लियर है. हालांकि क्लास के अंदर मोर देन 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो प्लीज आप लोग कंट्रीब्यूट किया करो अपने माइक से या चैट रूम से, ताकि आई बी मोर देन हैप्पी इफ यू एक्नॉलेज मी कि सर हमें समझ आ रहा है. एंड दिस इज योर क्लास एक्चुअली, नो वन इज सुपीरियर देन द अदर. सो इफ एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स फील सम प्रॉब्लम, सम कंफ्यूजन, इट्स योर क्लास, आस्क एंड क्लियर यूर कंफ्यूजन बेटा. क्योंकि बाद में ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे और क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होगी. तो इसलिए आज मौका है, कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लिया करें. सर जी बेटा, सर जब हमें स्केल डायग्राम दिया हुआ है तो हम जब उसको स्केल के जरिए मेजर करते हैं सेल की लेंथ, जी जी, तो हमें उसे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है. इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि अगर आप स्केल से कन्वर्ट करेंगे तो स्केल तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या दे देगा, या सेंटीमीटर दे देगा या मिलीमीटर दे देगा. जबकि हमारे पास जो बायोलॉजी में जो जितने भी ऑर्गेनेल्स है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई भी सेल है, उसकी जो लेंथ की मेजरमेंट होती है वो इतनी छोटी होती है कि वो माइक्रोमीटर में हो सकती है. क्योंकि अगर आप इसको सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में करेंगे तो वो 0.000 बहुत छोटे हो जाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन होती है. इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप जो भी मेजरमेंट करते हैं वो या तो माइक्रोमीटर में करें या फिर नैनोमीटर में करें. समझ आई बेटा? यस सर. हाँ, क्योंकि आप डायरेक्ट सेंटीमीटर से भी कर सकते हो. इफ यू फील कंफर्टेबल कि नहीं मैं कर सकती हूँ तो आप करें, आप सेंटीमीटर से हिसाब से करें. लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होते हैं ज्यादातर, अगर वो आंसर देखेगा तो वो या तो माइक्रोमीटर में होते हैं या फिर नैनोमीटर में होते हैं. ठीक है जी, चले. Got it, sir. Thank you. Great. अच्छा, अब एक और example है, using bar scale. तीन तरह की magnification होती है. पहली वाली तो बड़ी आसान थी, आप लोगों ने फॉरन कैलकुलेट करके दी थी. दूसरे मैंने आपसे कहा, उस पहले वाले में तो उसने magnification पूछा था, दूसरे वाले में आप लोगों ने number of cells निकाले. तीसरा एक और किस्म का magnification होता है जिसमें bar scale यूज होता है. bar scales कैसे यूज होगा, मैं इसकी भी एक example आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ, तो अगर आप मेरे साथ रहें. अच्छा, ये मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो रहा है. जस्ट स्टे विद मी.
जी लेट मी जस्ट शेयर नाउ. स्क्रीन नजर आ गया? जी सर. यस सर. Look at this. Here is a question. The diagram shows a transverse section through a blood capillary. This is wall of the endothelium. This is the lumen, and the magnification is given. It's this is the actual size which is given, not magnification. The actual size is 7 micrometer. So what is the magnification of the drawing? यहाँ जो bar scale दिया है, scale bar दिया है, इसका मतलब होता है ये इसकी original size है. ओरिजिनल साइज इस सेल का कितना है? 7 माइक्रोमीटर है. तो जो नजर आ रहा है ये कितना मैग्नीफाई किया गया है? क्या करोगे सर? और पहले हम मेजर करेंगे सर. किस चीज को मेजर करेंगे? The diameter of the with the diameter like the width and the diameter of this if it's measurable. चलो बेटा मेजर कर लेंगे जो दी हुई है. ये हुई ना बात. असल में बार स्केल में आपको यू हैव नथिंग टू डू विद एनीथिंग विद द डायग्राम. डायग्राम के साथ कुछ लेना देना नहीं है. आपने सीधा सीधा इस लाइन को मेजर करना होगा. ठीक है? यू जस्ट हैव टू मेजर द लाइन. क्योंकि ये लाइन ही आपको बता रहे हैं कि किसने ऑलरेडी मैग्नीफाई करके बता दिया कि इतनी है. तो यू जस्ट हैव टू मेजर द लाइन. सपोज कीजिएगा ये लाइन आ जाती है, लेट सपोज कीजिएगा 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 50 मिलीमीटर. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इट मीन 5 × 100 मीन्स 500. और फिर अगर उसको माइक्रोमीटर में करोगे तो 5000 हो जाएगा. आई मीन 500,000 हो जाएगा, सॉरी 500,000. एंड देन यू हैव टू डिवाइड बाय 7 माइक्रोमीटर. यू विल गेट द आंसर्स. आर यू गेटिंग? समझ आ रहा है बेटा? जी सर. यस सर. ओके सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. यस सर. गॉट इट. ग्रेट. अच्छा जी, एक और अच्छा कुछ क्वेश्चन आ गए, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसकी आपको सब डिस्क्रिप्शंस बताना चाह रहा था. आई थिंक इट शुड बी सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ड्राइंग. यू हैव टू कैलकुलेट इट. Look at this now, the solution. Measure the length of the line bar, convert it into micrometer, divide it by value given below the bar. देखो ना, below the bar जो value दी गई है, below bar क्या क्या value दी गई है? देखिएगा, 7 micrometer. इन पे आप bar की line को, I'm audible to you? सुन रहे? Yes, sir. Yes, sir. You're loud and clear. जी सर, बेहतरीन आवाज आ रही है. बस ठीक है. तो आप इस लाइन को मेजर करें और फिर जैसे इन्होंने ये कहा कि इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, जो लाइन जो नंबर इसके नीचे लिखा होगा उस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे. लेकिन जो नंबर नीचे लिखा हुआ है और वो नंबर जिस यूनिट में है उसी यूनिट में आपको लाइन वाली को भी कन्वर्ट करना होगा. चूंकि वहां माइक्रोमीटर लिखा था तो आपकी जो मेजरमेंट है वो भी माइक्रोमीटर में होना चाहिए. कन्वर्ट इट इंटू माइक्रोमीटर. डिवाइड इट बाय वैल्यू गिवन बिलो द बार लाइनिंग, इन दिस केस 7, to get the value of magnification. तो ठीक है. अच्छा जी, then चले जी, अब एक सवाल है आप लोगों से और मैं चाह रहा हूं कि आप में से कोई स्टूडेंट इसका आंसर दे दे. आसान सवाल है. Which lengths are equivalent to 1 micrometer? कौन से 1 से लेके 6 तक कौन से लेंथ ऐसे हैं जो 1 माइक्रोमीटर के बराबर है? थ्री एंड सिक्स. तो इसका मतलब है आंसर क्या होगा? डी.
शाबाश बेटा, देखो 1 माइक्रोमीटर अगर आप कन्वर्ट करते हैं, जैसे उसने बच्चे ने कहा 3 और 6, तो 3 में क्या है, ये मिलीमीटर है। बताइएगा जरा, मिलीमीटर बड़ा होता है या माइक्रोमीटर? मिलीमीटर। मिलीमीटर। तो आपको पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोमीटर? 1000 माइक्रोमीटर, ऐसा ही है। हाँ, तो अगर आप माइक्रोमीटर से वापस मिलीमीटर में आते हैं तो 1 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 1000 का मतलब होगा 0.001, ठीक है? तो ये तो सही हो गया, क्योंकि आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं तो डिवीजन, और अगर बड़े यूनिट से छोटे डिवीजन में जाते हैं तो मल्टीप्लाई। तो चूंकि यहाँ आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय 1000, सो आंसर इज 0.001 मिलीमीटर। अब यहाँ आ जाए 6 पे, ये है नैनोमीटर। नैनोमीटर बड़ा है या माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर सबसे छोटा यूनिट नैनोमीटर होता है। तो आपको पता है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू ऑलवेज 1000 नैनोमीटर। सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट 6, दिस इज ऑल्सो करेक्ट 3, सो डी इज द राइट आंसर। क्लियर सर? क्लियर है? Yes. So the answer is D. It's a smiley face once again. Look at, there is another question now. Look at the question. Which equation for calculating the actual size of a specimen A or image size I or magnification M is correct? कौन सा formula सही है? आपको थोड़ी देर पहले मैंने formula बताया था, magnification is equal to image size upon actual size upon image. D, magnification is equal to D sir, D है, D sir, D पक्की बात है, D है जी sir, image size upon actual size, ऐसा ही है? Yes, the answer is D, smiley face. Yes, let's see the next question now. Wow, this is good question. ये आपको paper और pencil से बगैर solve नहीं होगा, तो सवाल जरा गौर से सुनिएगा बेटा। The diameter of living cells varies considerably. हमारे पास दो तरह के सेल है। पहला सेल देखिएगा, the diameter of a typical eukaryotic cell कितना है? 1.5 what? Micrometer. 1.5 multiply by 10 to power 1 micrometer. समझ आ रही बात? क्या कह रहा हूँ? The diameter of a typical prokaryotic cell कितना है? 7.5 multiply by 10 raised to power 2 नैनोमीटर। अच्छा, अब अगर मैं इसको पॉइंट से हटा के बात करना चाहूं तो जो यूकेरियोटिक सेल है वो कितना माइक्रोमीटर है? पावर शावर हटा 150। आप अपने पास पेंसिल से लिखिएगा, अपने पास 150 माइक्रोमीटर आपका कौन सा सेल है? यूकेरियोटिक। और प्रोकेरियोटिक कितना है? 750 नैनोमीटर। 750 नैनोमीटर, क्योंकि यहाँ पे 10 उस पावर 2 है। तो बताइएगा 750 नैनोमीटर और वो है 150 माइक्रोमीटर। तो अब जरा मुझे बताएं, यूजिंग दीज मेजरमेंट्स व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईच सेल टाइप विच कुड फिट अलोंग अ लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बताइएगा, अगर 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन है उसमें यूकेरियोटिक सेल्स कितने आएंगे और प्रोकेरियोटिक सेल्स कितने आएंगे? कर लेंगे? Yes. कैलकुलेटर उठाएं? जी सर, आसान सवाल है। हाँ, तो बताइएगा, ये जो लिखा है व्हाइट ब्लड सेल्स और ये लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस सेल, इसमें कौन सी प्रोकैरियोटिक है और कौन सी यूकेरियोटिक है? ये तो जानते हो ना? यूकेरियोटिक व्हाइट ब्लड सेल होगा एंड प्रोकैरियोटिक इज लाइक द स्ट्रेप्टोकोकस सेल। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं यूकेरियोटिक की तादाद निकालूं सेल्स की, तो किसको किस से डिवाइड करूं, क्या करूं मैं? तो वाइट ब्लड सेल को हम एक वाइट ब्लड सेल का डायमेंशन कितना दिया है इन्होंने? 150 माइक्रोमीटर। नहीं, सवाल ही क्या है? ये देखिए बेटा, माइक्रोमीटर में है ना, ये 1.5 माइक्रोमीटर। 15 माइक्रोमीटर, सॉरी, हाँ सही कह रहे हो, 15 माइक्रोमीटर है। और हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है?
1 सेंटीमीटर पे. तो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10,000 माइक्रोमीटर, ऐसा है? यस सर. क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा पहले 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर पे 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना है? 1,000 माइक्रोमीटर. सो 10,000 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा, तो ये आपके वाइट ब्लड सेल आ जाएंगे. अच्छा, फिर अगर आप प्रोकैरियोट निकालोगे तो क्या करोगे? कितना है? 750 है ना, 750 नैनोमीटर है. फिर आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट, इस बार आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? नैनोमीटर में. तो नैनोमीटर के लिए क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना? 100,000 नैनोमीटर. ठीक है, सी आर आंसर? जी सर, सी आर आंसर. यस सर, सी सी. ठीक है. तो बेटा मेरे पास इस वक्त, मैं जब देखता हूँ तो मेरे पास ग्रुप के अंदर माशाल्लाह बहुत बच्चे हैं, और ये खुशी की बात भी है और परेशानी की बात भी है कि कोई बच्चा ये नहीं बोल रहा कि इसको कोई प्रॉब्लम है. मैं तो खुश हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो और आप लोग पूछ ना रहे हो. तो ऐसा ना करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बेटा ज़रूर पूछिया करें. और ये मुझे खुशी है कि ग्रुप में बच्चे आंसर भी दे रहे हैं. दैट्स वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड. लेकिन ये है कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा. ठीक है, थैंक यू. अच्छा चले, अब हम आगे मूव करते हैं. अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी मेरे पास मौजूद है, ये मैं आपके साथ फिर बाद में शेयर भी कर लूंगा, अगर आप इसको अलग से घर में सुनना चाहते हैं. ठीक है, ओके. नहीं बेटा, ग्रुप में अभी तो मैं लेक्चर शेयर नहीं कर सकूंगा, क्योंकि फिर बच्चे क्लास लेते नहीं है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर के इंतजार में होते हैं. ये आखिर में जब इंशाल्लाह ताला आपके एग्जाम्स की तैयारी होगी, उससे बहुत पहले इंशाल्लाह ताला आपके साथ बाद में मैं एक्सेस शेयर कर दूंगा. सो दैट सी द आंसर. या द आंसर इज सी, सो यू पीपल आर करेक्ट. चले, अब एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. चले जी, let's move to the next question now. ये तो आसान क्वेश्चन है. The diagram is a plan of transverse section through a leaf drawing using a 5 eyepiece and a magnification of objective lens of a microscope. The actual distance across the leaf section is 7.5 millimeter. What is the magnification of the diagram? किससे निकालेंगे? सर 20x होगी ना. 20x होगी, कैसे पता चला? सर 150 मिलीमीटर वो है, और मतलब जो एक्चुअल है वो 7.5 है. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड. ये देखिएगा, इन्होंने ये जो लाइन मेजर की है वो लाइन भी बता दी है कि वो लाइन कितनी है. ये मैग्निफिकेशन बता दी है आपको कि ये 150 मिलीमीटर है, और आपको एक्चुअल बताया गया है कि वो 7.5 है. तो 7. यानी 150 को आप डिवाइड कीजिएगा 7.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 20. आसान है? जी सर, बहुत आसान. yes, yes, जी बेटा, ये जो ऊपर दो वैल्यूज दी हुई ये यूज नहीं होंगी? ये कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिए हैं कि जो हमारे पास आईपीस रेटिक्यूल है वो उसे बता दिया कि हमने ऑलरेडी ये यूज करने के बाद हमारे पास ये मैग्निफिकेशन आई है. यानी इसने कहा है कि जो हमने डायग्राम मैग्निफाई किया है वो हमने एक 5 आईपीस रेटिक्यूल लिया था, और दूसरा जो है वो खैर यहाँ से थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो भी दिया हुआ है कि इतना टाइम, आई थिंक इस 8 दिया है समथिंग, 8 तो खैर नहीं होगा, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है. तो उससे कोई ताल्लुक इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको मैग्निफिकेशन दी दी है ना. अगर मैग्निफिकेशन ना दी होती तो हम फिर लेंसेज को यूज करके मैग्निफिकेशन निकालते. सही है जी सर, ठीक है. चले आगे चलते हैं. अब आते हैं बेटा रेजोल्यूशन की तरफ. ये है थोड़ा सा एक
मुश्किल चीज, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आपको जरा अपने जो मेरे पास एक और आईपैड है उस पे मैं पेन्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। इसको आपने, मैं कोशिश करता हूँ आपको पहले समझाने की कि कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाए, अल्लाह करे, नहीं तो फिर मैं उसे समझा देता हूँ आईपैड से। तो रेजोल्यूशन क्या चीज़ें हैं इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप और लेंसेज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स एट अ मिनिमम डिस्टेंस इवन एट हायर मैग्निफिकेशन। क्या मतलब हुआ इसका, और से सुनो। किसी माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी कि जिसकी वजह से वो दो ऐसे पॉइंट कि वो इतने करीब हो, वो दोनों पॉइंट के बिल्कुल लगता है कि वो दोनों एक ही पॉइंट है, लेकिन इतने करीब होने के बावजूद भी एक लेंस उसके दरमियान डिस्टेंस में डिफरेंस कर सके कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो ये कहलाती है रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्रंट के हमारे दो जो दांत हैं टीथ, वो दोनों दांत ऐसे लग रहे जैसे कि वो एक ही दांत है, उसकी बीच में जो लाइन है वो इतनी क्लोजली पैक है कि उसमें एक बारीक जो तार होता है या आप जिसको फॉक कहते हैं वो भी उसके अंदर नहीं जा सकता, इतना क्लोज है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा लेंस है या मैग्निफिकेशन है कि वो इसको इतना बड़ा करने के बावजूद भी आपको दिखा दे कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, पूरा एक चैनल है, एक कैविटी है इसके अंदर, वो इसको इतना बड़ा कर दे और साफ नजर आए, तो हम कहते हैं कि इसकी बहुत अच्छी रिजोल्यूशन है। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट करना। बेटा थोड़ा चैलेंजिंग है मुझे समझाना, लेकिन आप लोग मेरे साथ रहें इंशाल्लाह समझ जाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट को शो करके बताना कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप समझ गए होंगे तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, उसकी रेजोल्यूशन है 250 नैनोमीटर। कितना? 250 नैनोमीटर। ये माइक्रोस्कोप ए है। दूसरा माइक्रोस्कोप है माइक्रोस्कोप बी, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 100 नैनोमीटर। एक की है 100 नैनोमीटर, एक की है 250 नैनोमीटर। बताइएगा दोनों में किसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है, अच्छी है? Can you repeat that? Yes, we have two microscope. One have a resolution of 250 nanometer. Nanometer is the unit for resolution. One microscope has the 250 nanometer and the other microscope has 100 nanometer. Which one has the higher resolution? 100 nanometer, sir. Why? What is the reason? Sir, because it's zooming into more depth. Like 100 nanometer is a lesser value. Exactly. देखो इसका मतलब ये है कि जो पहला माइक्रोस्कोप है वो दो ऑब्जेक्ट्स जो कम से कम जिसके दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो कितना हो, 250 नैनोमीटर हो, yes, तो वो काम कर सकता है। अगर 250 से डिस्टेंस कम हो गया तो फिर वो माइक्रोस्कोप इसको एक ही ऑब्जेक्ट शो करेगा, वो दो नहीं शो करेगा, वो कहेगा एक ही ऑब्जेक्ट है, ब्लर हो जाएगा। लेकिन जो कि 100 नैनोमीटर पे दिखाएगा तो वो जितना डिस्टेंस कम करते जाएं इसके बावजूद भी वो शो कर सकता है कि दे आर टू डिफरेंट पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 नैनोमीटर। सो इट हैज अ हाई मैग्निफिकेशन एट अ हाई मैग्नीफाइंग पावर। तो ये बिल्कुल उल्टा चलेगा। अभी जब मैं कहूंगा हाई मैग्नीफाइंग पावर तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आती है तो इसका मतलब है उसकी रिजोल्यूशन कम होगी। ये बात याद रखिएगा, सब समझ रहे हो? Yes, sir. The more the value, no, sir. Can you repeat this point again? मैं बता देता हूँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो बात ये है, लेट सपोज कीजिएगा कि एक डॉट है और दूसरा डॉट है, दो डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है सपोज कीजिएगा वो 5 मिलीमीटर है। कितना है? 5 मिलीमीटर है। अब okay. हम इसको एक माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, सुन ले गौर से, एक माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और वो माइक्रोस्कोप हमें ये दिखा रहा है कि ये दोनों डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस ही नहीं है, ये एक ही डॉट है, जुड़े हुए हैं आपस में, क्योंकि वो इतना कम डिस्टेंस है बीच में जो कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता।
लेकिन जब हम दूसरा माइक्रोस्कोप लगाते हैं तो वो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को क्लैरिफाई करके बता देता है कि ये दो डिफरेंट डॉट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है। तो इसका मतलब है जो कह रहा है कि इनके दरमियान डिस्टेंस है उसकी मैग्निफिकेशन अच्छी है, या जो कह रहे हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है उनकी मैग्निफिकेशन, उनकी रिजोल्यूशन अच्छी है। The one that's showing the distance. The one which shows the distance. अच्छा, अब अगर एक माइक्रोस्कोप है, अब सुने दोबारा इसी एग्जांपल को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट करके। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके दरमियान डिस्टेंस है वो है 5 माइक्रोमीटर, सही है, 5 माइक्रोमीटर है। हमने माइक्रोस्कोप ए लगवाया और उसे हमने देखा तो उसने शो किया कि देयर इज अ डिस्टेंस, उसने बता दिया देयर इज अ डिस्टेंस। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब है कि 5 नैनोमीटर पर ये बता देता है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। हमने दोनों डॉट्स को और करीब करके 4 माइक्रोमीटर पे लेके आ गए। इस बार फिर माइक्रोस्कोप से देखा, अब भी वो बता रहा है कि दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हमने कहा ओ ये तो इधर बता देता है। अब हमने 3 माइक्रोमीटर किया तो 3 पे भी बता देता है कि हाँ ये डिस्टेंस है, बड़ा बहुत अच्छा बता रहा है ये। लेकिन जब जब हम 2 पे गए तो 2 पे जाने के बाद वो कह रहे हैं कि नो दिस इज ओनली वन ऑब्जेक्ट, यानी डिस्टेंस तो भी है 2 पे लेकिन वो बता नहीं सकता आगे क्योंकि उसकी लिमिट आ गई। तो इसका मतलब है हम कहेंगे इसकी जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन थी वो कितनी थी, 3 माइक्रोमीटर। 3 पे बता सकता था, 3 से जो ही कम हुआ ये इससे कहा कि एक ही ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम एक और माइक्रोस्कोप देखते हैं और वो माइक्रोस्कोप जो ही हम लगाते हैं वो 5 नैनोमीटर पे ही बता देता है कि देयर इज नो डिस्टेंस, देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट। तो एक की मैग्निफिकेशन 5 हो गई, एक की 3 हो गई, दोनों में से कौन सा माइक्रोस्कोप अच्छा है, 5 वाला या 3 वाला? 3 वाला। इसका मतलब है कि जितनी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है उतनी उसकी रिजोल्यूशन अच्छी होती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप समझ में आई बात? यस सर, टोटली क्लियर, थैंक यू सर। सो जितने हमारे, जैसे अगर हम कहते हैं कि एक माइक्रोस्कोप है उसकी रिजोल्यूशन 200 नैनोमीटर है और एक माइक्रोस्कोप है उसकी रिजोल्यूशन 100 नैनोमीटर है, तो जो 200 वाला है वो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि अगर डिस्टेंस 200 से कम हो गया तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, वो कहेगा एक ही ऑब्जेक्ट है। और जो 100 वाला है वो 100 तक बता देगा कि हाँ इनकी जो है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक, यस चल आगे चलते हैं। The resolution of a microscope or lens is therefore क्या है, smallest distance by which two points can be separated and still be distinguished as separate objects। थोड़ी सी लैंग्वेज मुश्किल है लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पीछे से समझ आ गए हैं तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये बुक्स की लैंग्वेज ऐसी है, आपको फिर समझना पड़ेगा। सो द रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप और लेंस इज देयरफॉर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जितना कम से कम डिस्टेंस पे कोई माइक्रोस्कोप आइडेंटिफाई कर सकेगा किसी ऑब्जेक्ट को तो वही उसकी रिजोल्यूशन होगी क्योंकि उससे कम पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसकी लिमिट आ जाएगी। तो जहां इसकी लिमिट खत्म हो जाती है उस डिस्टेंस पे जो वो दिखा रहा होगा वो उसकी रिजोल्यूशन होगी। तो इसे हम कहते हैं देयरफॉर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बाय विच टू पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड एंड स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, and this is the ability of microscope or lenses to distinguish between two points at a minimum distance even at higher resolution, higher magnification। समझ आई बात? तो देखो अब आखिर में वही बात आई जो मैंने शेयर की थी, the smaller this value the higher the resolving power of the microscope and the better the clarity and detail of the image। So the smaller this value the higher the resolving power of the microscope and the better the clarity and detail of the image। Any question from your side? I'll be more than happy to answer you. Yes. So is like there an exact value which we need to learn regarding light microscopes for like the resolution or it just changes? No, अभी मैं बताऊंगा, there's fixed value for the light microscope as well and for the electron microscope। वो दोनों आपको रटने हैं, आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कितनी, वैसे तो हर माइक्रोस्कोप की अलग अलग होगी लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप और इसकी खास रिजोल्यूशन आपको दी गई है जिसपे हम बात करेंगे कि ये इसकी रिजोल्विंग पावर है, ये इसकी रिजोल्यूशन है और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन है। Great, sir. Thank you. Right, now, let's move to the next point. So, ये आ गई काम की बात।
resolution is highly concerned to wavelength of light used. थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करूं, इससे पहले जब आप मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मैग्निफिकेशन किस चीज से कंसर्न है, मैग्निफिकेशन का ताल्लुक किस चीज के साथ था? अगर आप मैग्निफिकेशन बढ़ाना चाहते थे तो क्या करते थे? टाइप एंड नंबर ऑफ लेंसेस. शाबाश, वेरी गुड. टाइप या फिर नंबर ऑफ लेंसेस, तो लेंस के साथ ताल्लुक होता है मैग्निफिकेशन का. लेकिन यहां ये कह रहे हैं रेजोल्यूशन का ताल्लुक किस चीज के साथ है? वेवलेंथ. शाबाश. अब ये मैं बताऊंगा किसका ताल्लुक वेवलेंथ के साथ क्या बनता है, लेकिन बहरहाल अभी ये तो कि बहुत डिटेल टॉपिक है और उसके लिए बहुत सारे एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी. मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना बता दूं कि इतना याद रखें कि अगर वेवलेंथ कम हो, छोटी वेवलेंथ हो, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ हो, तो रिजोल्यूशन बहुत अच्छी होगी. और जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी, क्योंकि वेवलेंथ कहां से आ गई, जब आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो उसमें लाइट फॉल होती है ना, सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन क्या होती है? लाइट होती है. ऑफ कोर्स आप लाइट जलाते हो, या तो बल्ब लगाते हो या फिर सनलाइट पे रखते हो, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो सोर्स है वो लाइट होती है. और लाइट के अंदर आपको पता है अलग अलग वेवलेंथ होती है. यस सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अच्छा, आप लोगों ने विजिबल स्पेक्ट्रम तो पढ़ा होगा. विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा विब गॉयर के नाम से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है, तो ये वॉयलेट से शुरू होता है और रेड पे खत्म होता है. तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये तरतीब या ये सीक्वेंस क्या है? अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है या कम होती है? कम होती है. वेवलेंथ बढ़ती है. लेंडा जो है वो बढ़ती है, क्योंकि अगर आप सबसे तो खैर बात की बात है, हम इस वक्त वेवलेंथ की बात करेंगे. वेवलेंथ मुझे बताएं, रेड की सबसे ज्यादा होगी या ब्लू की ज्यादा होगी? रेड की. शाबाश. अच्छा, अब मुझे एक सवाल आपसे पूछना है. फॉर एग्जांपल, हम एक ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास दो माइक्रोस्कोप है. एक माइक्रोस्कोप में हमने फिल्टर लगाया हुआ है, वो फिल्टर सारे लाइट्स को ब्लॉक कर लेता है, सिर्फ रेड लाइट को पास कर देता है. ये माइक्रोस्कोप ए है. माइक्रोस्कोप बी पे भी हमने फिल्टर लगाया है, वो सारी लाइट रोक के सिर्फ ब्लू को पास करता है. तो दोनों माइक्रोस्कोप में किसकी रिजोल्यूशन अच्छी होगी? ब्लू वाला. वेरी गुड. अब आप समझ गए, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पास पेपर्स में. तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेवलेंथ बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी रिजोल्यूशन कमजोर होगी, और जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसकी रिजोल्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी. अच्छा, अब फॉर जी, एक चीज बोलनी चाहिए, मतलब जो एक्चुअल जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, तो उसमें जब हम विजिबल लाइट पे आते हैं तो उसमें तो पहले रेड से स्टार्ट होता है ना, रेड से स्टार्ट होता है फिर वायलेट पे एंड होता है. नहीं बेटा, हम लोग अगर आप, अब आप ये डिपेंड करते हैं कि आप रेड से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं या लेफ्ट से रेड या राइट की तरफ आ रहे हैं. तो यूजुअली जो विजिबल स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, तो हम लोग अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं. अगर आप वहां से आओगे तो फिर आपकी वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, कम होती जाएगी. अगर आप रेड से वॉयलेट की तरफ आओगे तो फिर कम होती जाएगी. सही है. अच्छा, अब मुझे आप लोगों से एक सवाल और पूछना है आखिर में, फिर हम क्लोज करेंगे. ये बताइएगा कि दो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप ए एंड माइक्रोस्कोप बी. माइक्रोस्कोप ए में रेड लाइट है, माइक्रोस्कोप बी में ब्लू लाइट है. ठीक है, ये बात तो खत्म हो गई. अब मेरे पास दो रिजोल्यूशन है, बताइएगा ये दो रिजोल्यूशन जो मेरे पास है उनमें कौन सा ए वाला है, कौन सा बी वाला है. एक रिजोल्विंग पावर है 100 नैनोमीटर और एक रिजोल्विंग पावर है 150 नैनोमीटर. सर 100 नैनोमीटर वाला ज्यादा. सर 100 नैनोमीटर ब्लू का. 100 नैनोमीटर ब्लू है. यस 100 नैनोमीटर ब्लू. यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 100 नैनोमीटर वाला है वो ब्लू का है और 150 नैनोमीटर रेड वाले का है. सही है. यस सर. यस. अब अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, ये बताइएगा कि इन दोनों माइक्रोस्कोप में किसकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा है? ब्लू सर. ब्लू वाले की. ब्लू वाले नैनोमीटर. अच्छा, तो इसका मतलब है आप, अगर आप किसी से कहोगे कि 100 नैनोमीटर हैज अ हायर रिजोल्यूशन देन 150, तो फिर आप कंफ्यूज मत होना,
कि कोई आपसे कहे कि यार ये क्या कह रहे हो, 100 टू 150 से ज्यादा नहीं होता, तो फिर आप बैकग्राउंड में इसको समझा सको कि भाई साहब ये जो 150 नैनोमीटर आप कह रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस जितना कम होता है उतना रिजोल्विंग पावर ज्यादा होता है। ये चीज समझना जरूरी है ताकि फिर आगे आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे बिकॉज़ आई हैव टू प्रे एज वेल, नमाज का भी टाइम है, एंड देन आई हैव क्लास एट 3 o'clock, सो आई नीड सम टाइम फॉर द रेस्ट, एंड आई ऑलरेडी वी हैव टेकन मोर देन हाफ एन आवर क्लास, सो आई थिंक यू आप लोग भी थक गए होंगे, एंड देन इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू टुमारो। आई डोंट, आई थिंक वी डोंट हैव क्लास टुमारो, यस, सो वेडनेसडे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है, सो देन सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, इट्स योर टाइम, इफ यू वांट मी टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क मी। So I was just like asking कि अगली क्लास में फिर आप लाइक एनिमेशन के साथ कराएंगे रेजोल्यूशन? बिल्कुल बिल्कुल, असल में मेरे ख्याल में काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसकी रियल स्टोरी बताऊंगा। अच्छा, बिल्कुल होगी बेटा, चीज़ें होती हैं, और थोड़ा सा ये है कि जब फिजिकल क्लास होगी तो दोबारा भी आपके सामने थोड़ा रिव्यू करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, और असल में अगली क्लास में मैं आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये जो टॉपिक है कि क्यों ऐसा होता है कि जो स्मॉलर वेवलेंथ होती है उसकी रेजोल्यूशन अच्छी क्यों होती है और बड़ी वेवलेंथ की रेजोल्यूशन क्यों कम होती है, इस पे डिस्कशन के लिए आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, पूरा वेवलेंथ बनानी पड़ेगी, उसकी जो ट्रस्ट क्रस्ट है उसकी कॉन्सेप्ट्स बताने पड़ेंगे कि ट्रफ क्रस्ट का इसका क्या रोल होता है, और किस तरह वो ऑब्जेक्ट को और किसी चीज़ के अगर आप रिजोल्यूशन निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसका तरीका भी है, तो ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे सर, वो जो आपने हमें बुक्स बताई थी उसके अंदर जो सॉपर वाली बुक थी वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगी? जी, वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। सादा पेपर है, बस उसका पेपर की क्वालिटी थोड़ी कमजोर है, लेकिन हमने पेपर को क्या करना है यार, हमने तो इस पे से पढ़ना है ना असल चीज, तो चीजें इंफॉर्मेशन बहुत है उसके अंदर, तो ठीक है बेटा, मुझे बस श्योर कर दे कि अभी आपको सिर्फ इतना तो समझ आ गया कि रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन क्या चीज है और दोनों का कंसर्न किस चीज के साथ है और रिजोल्विंग पावर का असल मतलब क्या है, ये समझ गए ना सब? यस सर, यस सर, चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Allah Hafiz.